ये तुन वाली आगे खिसक, ये मेरी जगह है। इकबाल राजा, तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ। बढ़िया बना एकदम। हाँ ना भाई, बढ़िया बजा रही यार ये तो। अरे सुर में, सुर में। बंद कर दिया? अरे तुंदने वाली, बंद क्यों किया बाजा? चलो तुम बजाओ। ये लो 10 रुपया तुमको देते हैं, चलो बजाओ। सुन के बहुत मजा आ रहा है। अरे बजाना बाजा, बजा। बदना भाई, बिजनेस टाइकून इकबाल के दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हमारी बिरयानी और चाय की दुकान के सामने बाजा बजाए? बोलो, मनोरंजन होगा ग्राहकों का और बिजनेस बढ़ेगा, उधर जाएगा ऊपर एकदम। बोलो बोलो तो एकदम शकास आइडिया है। ए सोन, वो हमारे दुकान के सामने आके बजा। वो 150 रुपए देंगे, एक टाइम की बिरयानी देंगे, 2 टाइम की चाय देंगे, वो भी फ्री, समझे क्या? बोलो, ऑफर मंजूर है? इससे अच्छा ऑफर तुमको नहीं मिलेगा। ऑफर कुछ चेंज करने के लिए बोल रही है। ओके हाँ बोलो, कुछ कम ज्यादा तो। अरे बदाम भाई, बहन जी ने कुछ गलत समझ लिया। क्या बजाने को बोला, क्या बजा दिया। बदाम भाई, थप्पड़ कुछ जाना पहचान लगता है। बे माँ कसम, जब थप्पड़ जाना पहचान लगता है तो निकल ले, मार्केट में बेच देते हो जाएंगे। चल चल। वो थोड़ा बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया थोड़ा सा, तो उस हिसाब से भाग रही है। हाँ क्या है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह कम काउंसलिंग हेड। हमने उच्च कोटि की काउंसलिंग की हुई है। आप बोलिए बेटा। पिज्जा बर्गर खाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। पहले तो मम्मी पापा मुझे खुद खिलाते थे, लेकिन जब आदत पड़ गई तो खिलाना बंद कर दिया और पैसे भी देने बंद कर दिए। बेटा ये सब हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना, तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि अगर तुम इसी रफ्तार से फास्ट फूड खाते रहे तो तुम्हारी सेहत और खराब हो सकती है। आई नो मम्मा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे डिप्रेशन फील होने लगता है, मैं खुद को मेंटली अनस्टेबल फील करता हूँ। आप जितने प्यार और पेशेंस से अभी समझा रहे हैं, वैसे आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की, या फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की हो? सब कुछ ट्राई करके देख लिया हमने, प्यार से समझाया इसे, स्ट्रिक्ट होकर डांट कर देखा, डॉक्टर से कंसर्न किया, अजी यहाँ तक कि काउंसलिंग भी करवा ली, पर जितना कुछ कर सकते थे सब कुछ हमने किया। पर क्या करें, इसकी फास्ट फूड खाने की आदत हम नहीं छुड़वा पाए मैडम। सो बैड। ये तो वही है ना जिसका फ्यूचर खराब हो गया था। आपने बताया था ना हमें। पहचान गई हाँ। माँ क्या बताऊँ, इसकी भी तो काउंसलिंग हम ही करते हैं ना। हाँ हाँ भाई, इसको इसको जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है ताकि पूरा जो काउंसलिंग वाला माहौल है इससे ही सीखे कब तक इसे निठल्ला घूमेगा, निठल्ला कहीं का। एक तीर दो शिकार। पुष्पा जी आप कुछ कह रही थी प्लीज। तो हम कह रहे थे कि बच्चे जो होते हैं ना वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसे चाहे हम जिस रूप में चाहे हम ढाल सकते हैं, बस जरूरत होती है तो उन्हें समझने की और उनकी उम्र में आकर उनको समझाने की। आप कहना क्या चाहती हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं है, कि उसे अच्छे से समझा नहीं सकते या उसे अच्छे से समझते नहीं है हम? नहीं नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है मैडम आपका? ये जो आप कह रही है ना, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। प्रैक्टिकल ये है कि जब कोई बच्चे जीत पकड़ लेते हैं ना तो उनके आगे भगवान भी बेबस हो जाते हैं। बच्चे तो हमने भी पाले हैं, एक हमारा खुद का लल्ला और हमारे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लल्ले लल्लिया हमारे घर ही तो पले बड़े। मुद्दे की बात ये है कि हम खूब जानते हैं बच्चों का मनोविज्ञान, इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चों से कुछ भी छुड़वाना, समझ रहे हैं आप? माँ बाप बनने के लिए चाहिए भगवान जैसा संयम और देवताओं जैसा धैर्य, तब पलते हैं बच्चे, तब जाकर बनते हैं आदर्श इंसान। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर हमारी जगह आप होती तो आज हमारे बच्चे की हालत नहीं होती? तो ठीक है, आप लीजिए जिम्मेदारी, बनाइए इसका भविष्य, छुड़वा दीजिए इसका फास्ट फूड, साबित कीजिए कि जो बातें आप कह रही हैं ना उसे आप कर भी सकती हैं, कीजिए साबित। देखिए देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ हाँ हम दिखा सकते हैं जी मैडम सर, हम ले सकते हैं इसकी जिम्मेदारी। पुष्पा जी। हाँ मैडम सर।
हम छुड़ाएंगे आपके बच्चे की ये गंदी आदत। पुष्पा जी, जो होगा देखा जाएगा मैडम सर, आज से आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। बेटा बंटी, आप जानते हो ना कि ये इस तरह का फास्ट फूड, इतना ज्यादा खाना, उसकी ओवर ईटिंग करना हेल्थ के लिए कितना खराब है। तो आप खुद इसे छोड़ना चाहते हो? हाँ। तो क्या आप कुछ दिन पुष्पा आंटी के घर रहकर आपकी फास्ट फूड की आदत छुड़वाने में इनकी हेल्प करेंगे आप? हाँ, करूंगा मैं हेल्प, लेकिन मेरी ओवर ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें बहुत पेशेंस चाहिए रहेगा। तो क्या ये रेडी है इसके लिए? पुष्पा जी आइए। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत संयम है। अरे करिश्मा जी के साथ जो रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये तय रहा, कुछ दिन तक आपका बेटा पुष्पा जी के घर पर रहेगा ताकि इसकी फास्ट फूड की आदत छूट सके। ठीक है ठीक है, आप लोग जरा हमारे केबिन में जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है। जी आइए। उड़ता तीर मुबारक हो माता रे। शुक्रिया मैडम सर। उड़ता तीर? आज भी कच्चा दे गया ये फल वाला हमको, एक भी ऐसा कुछ सामान नहीं मिला जिससे हम उसको पकड़ पाते। इसकी मैया का ससुर। ओह हेलो हेलो हेलो, यहाँ अंदर का आ रही हो, जो भी मांगना है बाहर से मांगना, चलो चलो। वाओ, ऐसा कंटाप लगा मेरा टिप्पा खा के घर के बाहर मिलोगे तुम, समझे? तुम्हारी तारीफ अगर शुरू कर दी ना तो खत्म नहीं होगी, चलो चलो बाहर चलो। बंटी 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 बंटी, अरे बताना, ये हमारी बहुरानी है करिश्मा सिंह। ये इतनी गरीब, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी क्या पहले? कौन है ये, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है ये? बता दे, बता, हाँ हाँ बता दे, वो बताइए बताइए, आइए थोड़ा सा यहाँ 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 बताइए, बता बता। हमें लगा रिटायर होने से पहले कम से कम एक केस सुलझाए तो हमारे मन को तसल्ली आ जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर आए घर में, ताकि इसकी अगर ये फास्ट फूड वाली आदत अगर हम छुड़वा सके ना तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए देखिए, हमारा दिमाग कभी बहुत चिर में रहा हुआ है ना, हमारे दिमाग में अभी ना वो आग बबूले फूट रहे हैं, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है हमको, और इसको बोलो ये आवाज कम करे, बहुत जोर की चल रहा है ये म्यूजिक, धीरे करो बोलो इसको। हाँ बोलते बोलते, बंटी बेटा आवाज कम करो। बंटी ऐसा बोलेंगे? जाते हैं जाते, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। वो क्या है, चुड़ैल आंटी, दीदी 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 आई है ना, बहुत काम करके थक के आए हैं ना, अब थोड़ा आराम करेगी, क्या है हमारा लल्ला तो कुछ काम ही नहीं करता ना, सारा काम यही तो करती है, तो इसलिए थोड़ा आवाज कम। आवाज इसलिए लाउड है ताकि मेरा ध्यान फास्ट फूड में ना जाए, अगर मैंने आवाज कम कर दी ना तो मेरा दिमाग वापस पिज्जा फास्ट फूड। अरे नहीं 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 बेटा, उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। हाँ तो चलो करते तुम्हारी भूख का इलाज। ये लो खाना, ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए, चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, पहले आप फिनिश करो उसके बाद मैं खाता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है चलो। देखो हमने सब खाना खा लिया ना, अब तुम खाओ। आपने मेरा खाना खा लिया, मुझे उसी प्लेट में खाना था जिसमें मेरा खाना था, आपने मेरी प्लेट खा ली। अरे तो क्या हुआ, देखो ना सेम सेम ही तो है, दोनों एक ही तो है खाना। नहीं खाओ। नहीं, आपने मेरा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? शान 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 बेटा, शान शान शान, मत रो ना मत रो ना, वो क्या है हमारी नकचड़ी बहू अभी अभी बाहर से आई है ना, दिमाग खिसक गया उनका, वैसे भी तुम्हारी आवाज से उनकी नींद खुल गई ना, तो दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे, चुप रहो शांत हो जाओ। मम्मी अब मैं क्या खाऊंगा? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। एक शर्त पे बोलो, हमें सब शर्त मंजूर है तुम्हारी, बोलो। आपको पिज्जा और बर्गर मंगाना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो, दोनों चीजें नहीं मंगा सकते, या तो पिज्जा या तो बर्गर। ठीक है फिर अभी मंगाओ, भूख लगी है। मंगाते मंगाते मंगाते, ये लो तुम फोन करो फोन करो फोन।
हो गया ऑर्डर। खाओ खाओ। ये मेरा है, हमारा खा रहे हैं ना? अरे मगर इतना सब कुछ तो है ना, तो एक खा लिया तो। सुनो, कान खुले है ना? हाँ, किसी को भी बताना मत कि हमने तुम्हें पिज्जा मंगा के दिया, वरना। हाँ, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी खाओ और सो जाओ, चलो। हमें भी नींद आ रही है, चलो जल्दी। हमारी उंगली। आंटी, आंटी, तुम? अरे लेकिन आप चिल्लाई क्यों? अरे हम डर गए इसलिए हम चिल्लाए, तुम क्यों चिल्लाए? क्योंकि हम भी डर गए थे। यही यही बंटे, कहाँ हो रही है, काय चिल्ला रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम इसे देखकर डर गए अचानक। बच्चे को देख के आप घबरा गई? वो क्या हुआ ना, हम सपना देख रहे थे ना, और सपने में साक्षात यमराज जी हमें लेने के लिए आए थे और हम उन्हें मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी भैंसे को हमारे ऊपर छोड़ दिया और हमने आँख खोली तो हमने इसे देखा, तो इसलिए हम डर गए। तुम यहाँ करने क्या आए हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो हम क्या कर लेंगे उसमें? हाँ, हम भी ना सोए क्या तुम्हारे वजह से? पूरा दिन ड्यूटी कर रहे थे, कल भी ड्यूटी करना, वहां जाके उंधिया आएंगे क्या? पुष्पा जी, इस गोलगप्पे को समझा लीजिए, हम बता रहे हैं आपको कि तो कल आपका लाइन हाजिर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो ना जरा कड़वा करेला है, ऊपर से करेला कड़वा, अंदर से भी कड़वी है वो, मगर दिल की बुरी नहीं है। हाँ, तुम ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। वो क्या है ना आंटी, आराम से जब मुझे रात में भूख लगती है ना, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, और जब तक मैं 2-3 बर्गर, एक लार्ज साइज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक खा नहीं लेता ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, हम लूडो खेले? नहीं, शायद तुम्हें उससे नींद भी आ जाए। ठीक है। आंटी, हाँ, ये मेरी बारी। आंटी, आपकी बारी। तुम कब सोओगे? आंटी कहा ना मैंने, जब तक मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाऊंगा ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। अभी इतनी रात गए, कहाँ से खिलाएं हम तुमको पिज्जा और बर्गर? मुझे पता है कहाँ मिलेगा पिज्जा और बर्गर। पता है? हाँ, मंगा लो। अरे मैडम, कहे मार रही, क्या कसूर है मेरा? कसूर पूछ रहे हो हमसे? हाँ, भोली वाली जनता को उल्लू बनाते हो, हाँ, उनके साथ टोपागिरी कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, और पूछ रहे कसूर का तुम्हारा? यहाँ जनता आती है, फ्रूट्स छाटती है, तुमको देती है, तुम थैली में फ्रूट्स डालते हो, फिर उसके बाद तुम्हारी चलाकी स्टार्ट होती है, बड़ी चलाकी से तराजू के पीछे रखी कम और घटिया फ्रूट्स वाली थैली उनके साथ एक्सचेंज कर देते हो। अरे ऐसे कोई भी इंजाम लगाएंगे आप? क्या क्या सबूत है आपके पास कि मैं फलों की थैलियां बदलता हूँ? सबूत मांगते हो हमसे? सबूत के चक्कर में यहाँ गिद्ध बने बैठे थे तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन अब हमारे सबर का बांध टूट गया है, अब तुम हमारे साथ चलोगे थाने, और थाने चल के सबको बताओगे कि जो अभी हमने कहा वो एकदम सच है, झूठ नहीं, और सबके सामने अपना जुर्म कबूल करोगे, और किसी को ये नहीं कहोगे कि हमने तुमसे ये जबरदस्ती कहने को कहा है, समझे? कहा, कहा आपने, कहा कोई जबरदस्ती की, मैं ग्राहकों के साथ चीटिंग करता, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ मैडम। बहुत बढ़िया, नहीं, हमसे नहीं होगा,
हमसे नहीं होगा, हमें नहीं खाना है पिज्जा। तो तुम मत खाइए। मैडम सर। जय मैडम सर। जय पुष्पा। मैडम सर हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप समझ गए मैडम सर आपके उड़ते तीर का मतलब क्या था। जोश जोश में आकर हमने ये चुनौती तो ले ली, मगर अब समझ रहे हैं कि ना ही हमें भगवान जैसा संयम है और ना ही देवताओं जैसा धैर्य। हम हार मानते हैं, हम उसकी ये फास्ट फूड खाने की आदत नहीं छुड़वा सकते। मैडम सर हमें माफ कर दीजिए। और तो और उसके साथ रह रहकर हमें फास्ट फूड खाने की आदत लग गई। मैडम सर देखिए देखिए देखिए, आज हम अपने टिफिन में रोटी सब्जी नहीं लाए हैं बल्कि पिज्जा लाए हैं। अरे नहीं 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 ठीक है, छोड़ी छोड़ी। गजब गजब पुष्पा जी, भगवान से तो डरिए कम से कम। हैं आपको कब से फास्ट फूड से परहेज होने लगा? हैं अरे आप तो इकलौती वजह है कि गुलगप्पा वाला सब अपना बच्चा को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़वा रहा है सब। चीता चतुर्वेदी। पुष्पा जी कोई बात नहीं, रिलैक्स। आपने कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ उसमें इतना डिसअपॉइंट होने वाली क्या बात है। हम किसी और तरीके से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लीजिए मैडम सर, इसका भी तिया पाछा कर दिया है, केस एकदम सॉल्व कर दिया है हमने, बिल्कुल सुलटा दिया है इसको, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है। बोल बे। मैडम ने मुझे चीटिंग करते हुए देखा, रंगे हाथों पकड़कर थाने ले आई, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, आपने हमें कम्प्लीटली गलत साबित कर दिया है। आपने साबित कर दिया है कि आप पेशेंटली और पूरे इत्मीनान के साथ चीजें हैंडल कर सकती हैं। So good job. I'm very impressed. धन्यवाद मैडम। बदमाशी करते नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। चल तेरे फ्रूट सलाद खिलाते हैं तुमको, चल। Good job. करिश्मा सिंह जी, आपके इस पेशेंस को मद्देनजर रखते हुए हम आपको एक और चैलेंजिंग काम देना चाहते हैं। बंटी नाम का जो लड़का है उसकी काउंसलिंग अब आप करेंगे, फास्ट फूड की उसकी गंदी आदत अब आप छुड़वाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह का पेशेंस, डेडिकेशन और इत्मीनान चाहिए इस ऐसी चीज को हैंडल करने में, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है करिश्मा सिंह। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हो जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। आपने जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाएंगे पूरे पेशेंस और संयम के साथ। हम यही सुनना चाहते थे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। इतना नहीं हो पाया। बहुत अच्छा किया मैडम सर ने हमको, ये इसी के लिए हमने अपना फोर्स ज्वाइन किया था ना पुलिस का। घिस घिस के ऐसा ही बने हम इस काम के लिए कि इसका पिज्जा खाना छुड़वाएंगे हम। यही काम रह गया बस हमारे को। वेस्ट मैम, आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई। सॉरी टू से बट कोई भी मेरी फास्ट फूड वाली आदत कभी नहीं छुड़वा सकता। बंडिया का सुधार अभियान का सारा नोट्स तैयार है। देखिए मैडम, देखिए आपस में कितना घातक जोड़ी है। मतलब देख के लगता है जैसे रहते होंगे, चिपक चिपक के रहते होंगे, साथ में रहते होंगे, जहां पर भी जाते होंगे एकदम सर्व सत्यानाश। अरे पगड़ा ग्रह शुरू कर दिया तुम। अब आंखें खोल के करना जो भी करोगे, ठीक है? तो सही काम करोगे। हम संतु जी को और अपने आप को ऐसा ना दूल्हा दुल्हन के परिधान में देखना चाहते थे कि हम लोग कैसे लगते हैं। मैडम आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं हम लोग। तुम निठल्ले थे, निठल्ले हो, निठल्ले रहोगे। बहुत फनी फोटो है यार। आकर मारेंगे ना। चीते। तुम इधर देखो, इधर देखो। ये जो तुम ये पिज्जा बर्गर इतना जंक फूड खाते हो, तुम्हें पता है ये किस चीज से बनता है? नमक होता है, तेल होता है, शक्कर होता है, बहुत सारा ट्रांस फैट होता है एंड सेहत के लिए हानिकारक होता है। इंसान की बॉडी को और लेजी बना देता है। हाँ पता है, पिछले कई सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। जब तुम इतना ही कुछ जानते हो कि इसमें इतना कुछ गड़बड़ चीजें होती है, तो फिर क्यों अलाए बत्तर खाते हो इतना? हाँ और जानते भी हो ना, तो भी सुनना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं, समझे? एक ही शर्त पे, पूरा सुनने के बाद मेरे लिए एक लार्ज साइज पिज्जा मंगाना पड़ेगा। पता था। हाँ ही तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पिज्जा मंगवाने की? हाँ हम ये तुम्हारा ये कचरा छुड़वाना चाहते कि तुम ये ना खाओ। तुम हमको कह रहे हो पिज्जा आएगा, नहीं आएगा पिज्जा। नहीं मंगाओगे पिज्जा? नहीं मंगाएंगे। नहीं मंगाओगे? नहीं मंगाएंगे पिज्जा। मुझे पिज्जा चाहिए।
पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा चाहिए मुझे। अरे मैडम शांत कराइए। तुम चुप करो। मैडम भी रोम देगा, रोम। पिज्जा चाहिए, तो चाहिए। गलत साबित करने पर तुली हुई आप। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। संयम 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 संयम। पिज्जा सुनो सुनो सुनो, वन विभाग से पुलिस वालों को बुला बुलाते बात कर ले। पिज्जा चाहिए? हाँ पिज्जा आएगा, पिज्जा हम मंगवाएंगे, लेकिन पिज्जा आने के बाद जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो करोगे, हमको अपना टीचर मानोगे, बोलो मंजूर है? मंजूर है। आप जो बोलोगी पिज्जा के लिए तो सब कुछ मंजूर है। मरते मरते बचे हम मैडम। मैडम सर ने हम पर भरोसा करके हमको ये केस दिया है, हमें कुछ भी करके इसको सॉल्व करना ही होगा।